नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BIP टेक्नीशियन में। देखिए, हम सामान्य विज्ञान का अध्ययन की क्लासेज चला रहे हैं और इसमें आज है क्लास सेकंड, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के परमाणु के बारे में जानेंगे कि पदार्थ की इकाई है जो परमाणु, उसके अंतर्गत और कौन कौन से इसमें कण आते हैं, इनके मौलिक कणों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत, यानी कि जिसके अंतर्गत पदार्थ के परमाणु के बारे में बताया गया था कि परमाणु नामक कोई चीज भी होती है। तो ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ, रदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन, नील्स बोर। चारों ने ही परमाणु सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्होंने अलग अलग टाइम पर दिया था। देखिए, बात करें सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम दिया था जॉन डाल्टन ने। इन्होंने कब दिया था परमाणु सिद्धांत? इन्होंने 1803 में परमाणु सिद्धांत दिया था। बात करें नील्स बोर की, तो इन्होंने दिया था 1913 में। देखिए, रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने ये दिया था 1911 में। और बचे जॉन जे जे थॉमसन ने बताया था 1898 में। तो हमसे पूछा गया है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न संख्या दो पर चलते हैं, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। देखिए, हमसे पूछा गया है परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। देखिए, बात करें परमाणु की त्रिज्या की, तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10^-10 मीटर होती है। और बात करें परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10^-15 मीटर। और यह हमसे किसके बारे में पूछी गई है? परमाणु के नाभिक का आकार पूछा गया है, जो कितना होगा? 10^-15 मीटर। अगर डायरेक्ट पूछता परमाणु का आकार क्या होगा, तो जवाब होता हमारा 10^-10 मीटर। प्रश्न संख्या तीन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? देखिए, अस्थायी कण के बारे में पूछा गया है, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए, हमें पता है ये नाभिक होता है और इसके चारों ओर कक्षाएं होती है। जो नाभिक होता है, इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों मिलकर के नाभिक बनाते हैं। और जो भारी कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यानी कि नाभिक के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और भारी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और अब हमें यहाँ ऑप्शन में तीनों के तीनों दिए गए हैं कि कौन सा अस्थायी कण है। तो देखिए, जो न्यूट्रॉन होता है, ये एक अस्थायी कण होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका भार होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, और वे भार अधिक होने के कारण ये क्या होता है? डीके होना स्टार्ट हो जाता है, अपशयित होना स्टार्ट होता है, ये स्थायी नहीं रह पाता और अपघटित होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। चलिए प्रश्न संख्या चार, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? देखिए, बात करें परमाणु क्रमांक की, अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की, तो देखिए परमाणु क्रमांक की परिभाषा को हम इस प्रकार से बता सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के आधार पर और दूसरा प्रोटॉन के आधार पर। लेकिन प्रोटॉन की परिभाषा होती है, यह हमेशा लागू होती है कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है या परमाणु क्रमांक होती है। परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? किसी भी नाभिक में, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगी। और बात करें इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? इसका केस बन जाता है उदासीन परमाणु के लिए। सिर्फ जब हमारा परमाणु उदासीन होगा, तभी इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। क्योंकि क्या होता है, परमाणु कभी कभी इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे सपोज हमारे पास में देखिए सोडियम परमाणु है, इसके अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन धनायन बना लेता है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसमें रह जाते हैं 10 ही इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इलेक्ट्रॉन में कमी आई। तो अब हम कह नहीं सकते कि सोडियम प्लस का परमाणु क्रमांक कितना है, 10 थोड़ी कहेंगे, वो तो 11 ही रहेगा। तो ये परिभाषा इस जगह गलत हो जाती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या ही सबसे सही निर्धारित करती है, ठीक है। लेकिन अगर परमाणु उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बारे में बताएगी। लेकिन हमारे सही पूछा है कि परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है प्रोटॉन की संख्या। चलिए प्रश्न संख्या पांच, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। देखिए, नाभिक के बारे में हमने बताया था अभी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ही परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो ये हो गया जवाब इसका, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित है? देखिए, बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणावेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर आवेश शून्य होता है, यानी कि आवेश रहित होता है। देखिए, प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻¹⁹,
कूलाम। और यही इलेक्ट्रॉन पर भी इतने होता है, बस ऋणावेशित हो जाता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है हमारा उदासीन। तो यहाँ पूछा गया आवेश रहित यानी कि उदासीन कौन सा है, तो वो है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? देखिए कौन कौन से मूल कण हैं जो समान संख्या में पाए जाते हैं। तो देखिए यहां से हम बात करते हैं, जो कोई भी परमाणु होता है वो परमाणु उदासीन रहता है, सामान्यतः कैसे रहता है, उदासीन। अब उदासीन में क्या होगा, ना प्रोटोन का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या चाहे कितनी भी हो उससे परमाणु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, यानी इस पर आवेश जीरो होता है। अब न्यूट्रॉन पर आवेश जीरो है तो इसकी बात हम करेंगे नहीं। तो जितने प्रोटॉन है क्योंकि ये धनावेश है और इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो परमाणु कैसा होगा, उदासीन। तो मूल कण इनमें क्या होने चाहिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों समान होने चाहिए। यहाँ मूल कण इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अगर परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ग्रहण कर लिया, तो वो मूल कण नहीं कहलाएगा और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है। अतः यहाँ जवाब क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया था मिलिकन ने। इन्होंने एक प्रयोग किया था तेल बिंदु प्रयोग, तो मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग से ही इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया था। इन्होंने तेल की बूंदों को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया था, बाद पर उसमें विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके और उसके वेग का निर्धारण किया और धीरे धीरे उसमें आवेश की गणना करी। देखिए इतना हमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, इतना हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण मिलिकन ने कौन से प्रयोग से किया था, तेल बिंदु प्रयोग से किया था। प्रश्न संख्या 9, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये हमने अभी अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और कितना होता है, −1.6 × 10⁻¹ कूलाम, ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ प्लस माइनस 19 है और यहाँ प्लस 19 है, तो ऑप्शन ए को देखिएगा ना। प्रश्न संख्या 10, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? देखिए रदरफोर्ड साहब ने परमाणु मॉडल दिया था, इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार कराई थी, सोने की पतली पन्नी ली थी उस पर, फिर इन्होंने देखा अल्फा कण थे कुछ तो सीधे जा रहे थे और कुछ उन्होंने विचलन हो रहा था, यानी पास में जाकर के थोड़ा दूर निकल रहे थे। ठीक है, ये क्या होता, इसके कारण होता क्योंकि इसके सेंट्रल में क्या पाया जाता है, नाभिक, और जो अल्फा कण है जो इससे क्या हो रहे थे, प्रतिकर्षित हो रहे थे। भाई अल्फा कण धनावेशित होता है और नाभिक भी धनावेशित है, और धनावेश धनावेश में प्रतिकर्षण होगा, तो जो कण इस नाभिक के पास से होके जाएगा वो इससे प्रतिकर्षित होकर और दूर चला जाएगा। तो ये इन्होंने रदरफोर्ड ने दिया था। तो इन्होंने किसके बारे में बताया कि जो परमाणु होते हैं इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। परमाणु में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो न्यूक्लियस क्या क्या है, देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक की बात कर रहे हैं हम, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है तो वो न्यूक्लियस में आता है। और अल्फा कण से, जो अल्फा कण प्रयोग था रदरफोर्ड का, उससे हमें यही पता चलता है कि अल्फा कण जैसे जैसे परमाणु के नज़दीक जा रहे थे नाभिक के पास, तो वहाँ से प्रतिकर्षित हो रहे थे, यानी उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु के न्यूक्लियस के बारे में मौजूदगी को सिद्ध किया। प्रश्न संख्या 11, परमाणु विद्युत होते हैं, ये अभी अभी हमने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है, तो ये कैसे होंगे, उदासीन होंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के ही बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो की थी जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी 1897 में, ये सन भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में हालांकि पूछा तो नहीं जाता फिर भी याद रखना। प्रोटॉन की खोज की थी 1911 में, और जो न्यूट्रॉन है हमारा इसकी खोज की गई थी 1932 में। 1897 में इलेक्ट्रॉन की, 1911 में प्रोटॉन की, और 1932 में न्यूट्रॉन की। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ,
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। कब की थी? 1897 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और कब की थी? 1911 में। प्रश्न संख्या 14। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? देखिए, जेम्स चैडविक ने अभी अभी हमने बताया था न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? 1932 में। निम्नलिखित किन कणों में से कणीय तरंग की देखिए द्वि प्रकृति यानी कि द्वैत प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, द्वैत प्रकृति पाई जाती है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, ये द्वैत प्रकृति में पाया जाता है। अब बात करते हैं ये द्वैत प्रकृति होती क्या है। देखिए, जो द्वैत प्रकृति की बात करते हैं, देखिए द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है ये कण के रूप में भी पाया जाता है और तरंग के रूप में भी पाया जाता है, दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है। देखिए, इससे पहले प्रकाश के बारे में पता था कि प्रकाश द्वैत प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन बाद में डी ब्रोगली ने सिद्धांत दिया और डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन है जो द्वैत प्रकृति में पाया जाता है, एक कण के रूप में भी और एक तरंग के रूप में भी, तो दोनों प्रकृति होती है, इसलिए इसको हम द्वैत प्रकृति कहते हैं। और वो कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 16। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता थे? देखिए, पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? यहां से देखिए, ये कई प्रकार के अन्य कण पाए जाते हैं। मौलिक कण तो कौन कौन से होते हैं परमाणु में? परमाणु के मौलिक कण तो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन ही इसके मौलिक कण हैं। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के कण पाए जाते हैं जो अन्य परमाणु कण कहलाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉजिट्रॉन की, कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन, इनका पूरा नाम है कार्ल एंडरसन। अच्छा, बात करें पॉजिट्रॉन में क्या होता है। देखिए, पॉजिट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है, यानी प्रतिकण बोलते हैं। जो पॉजिट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, जिसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने। प्रतिकण का मतलब क्या है? इसके सारे के सारे गुणधर्म किसके समान होंगे? इलेक्ट्रॉन के समान होंगे, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, इससे सॉरी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होंगे। प्रतिकण यानी विपरीत, तो पॉजिट्रॉन के सारे गुणधर्म इलेक्ट्रॉन के विपरीत होंगे, सिर्फ एक गुण को छोड़कर भी, और वो है इसका भार, यानी इलेक्ट्रॉन का भार और पॉजिट्रॉन का भार बराबर रहेगा, बाकी इसके अलावा सभी गुण इलेक्ट्रॉन के विपरीत होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहा जाता है। किसने की थी पॉजिट्रॉन की खोज? कार्ल एंडरसन ने। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? देखिए, अभी अभी हमने बात करी थी नाभिक की, और नाभिक के बारे में देखिए, रदरफोर्ड मॉडल से हमें पता चला था कि इन्होंने क्या किया था, अल्फा कण प्रयोग किया था, जिसमें अल्फा कणों की बौछार कराई थी सोने की पतली पन्नी पर, और नाभिक के पास से जो कण थे वो ज्यादा विचलित हुए थे। तो इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर कोई ऐसा भाग पाया जाता है जिस पर धनावेश पाया जाता है, और उसी को क्या नाम दिया इन्होंने? नाभिक नाम दिया। तो परमाणु नाभिक के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जोड़ा गया है, तो देखिए उन भारतीय वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं हम, जिनका नाम किससे जोड़ा गया है? विशिष्ट मूल कण से। वो थे सत्येंद्र नाथ बसु, सत्येंद्र नाथ बसु या बोस कहते हैं इनको, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है? तो वो बोस थे। इन्होंने क्या किया, इनका नाम किसके आधार पर रखा है? बोसोन कण के आधार। जो बोसोन कण है वो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही जुड़ा है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, बोसोन कण। प्रश्न संख्या 19। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन खोज की थी चैडविक ने। कब की थी? 1932, 1932 में। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? देखिए, न्यूट्रॉन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु में नहीं होता, इसके अलावा जितने भी परमाणु होते हैं सभी में न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है? बात करें लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ट्राइटियम और हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। ये ट्राइटियम क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। देखिए, बात करें प्रोटोन की, तो इसमें क्या होता है, एक तो प्रोटोन, सॉरी पॉजिट्रॉन, देखिए बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की, तो एक होता है प्रोटियम, प्रोटियम में क्या होता है, एक प्रोटोन और जीरो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटियम में एक प्रोटॉन और जीरो न्यूट्रॉन। ड्यूटीरियम की बात करें, एक प्रोटॉन और एक
न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम की बात करें तो एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहीं से हमें समस्थानिक की परिभाषा समझ में आ रही है। समस्थानिक क्या होते हैं, क्योंकि मैंने कहा हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं और तीनों में तुम देखोगे तो प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। तो क्या होते हैं, और ये टोटल क्या कहलाता है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको हम उसका द्रव्यमान बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान किसे कहेंगे हम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए इनमें क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या तो समान रहेगी लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, वो इसके समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु भार अलग अलग होगा लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी, वो समस्थानिक कहलाते हैं। कितने समस्थानिक है हाइड्रोजन के, तीन है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। देखिए बात करते हैं तीनों समस्थानिकों की, थोड़ा यही जान लेते हैं हम। जो प्रोटियम होता है इसका प्रतीक होता है 1H1, ठीक है, यहाँ होता है इसका क्रमांक और यहाँ होता है इसका भार। ड्यूटीरियम की बात करें तो इसे प्रदर्शित किया जाएगा 1H2, क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो दो हो जाते हैं इसमें टोटल। ठीक है, अब बात करें ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम का हो जाएगा 1H3, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन तो टोटल कितने, तीन, तो तीन टोटल इसका भार हो गया। अब देखिए जो ये ट्राइटियम है इसके लिए भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव होता है, तो ट्राइटियम है ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ट्राइटियम समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है। और बात करें ड्यूटीरियम की, तो इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारी जल का निर्माण किससे किया जाता है, तो वो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम से भारी जल का निर्माण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के बारे में हमें किसने बताया था, दे ब्रोगली ने ही बताया था कि द्वैत प्रकृति में होता है, एक तरंग के रूप में और दूसरा कण के रूप में। ठीक है, इसे द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो तरंग की पहली प्रकृति डी ब्रोगली ने ही बताई थी। देखिए तरंग की ऊर्जा होती है, इसको हम प्लैंक समीकरण से ज्ञात करते हैं, ई बराबर एच न्यू, तरंगीय प्रकृति की ऊर्जा प्लैंक समीकरण ई बराबर एच न्यू से ज्ञात करते हैं, और कणीय प्रकृति की ऊर्जा आइंस्टाइन समीकरण, आइंस्टाइन समीकरण जो सबको पता है ई बराबर एम सी स्क्वायर से ज्ञात की जाती है। दोनों में अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, तरंग में ऊर्जा की गणना किससे करेंगे, प्लैंक समीकरण जो क्या है ई बराबर एच न्यू, और कणीय प्रकृति में ऊर्जा की गणना ई बराबर एम सी स्क्वायर यानी आइंस्टाइन समीकरण से ज्ञात करते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, देखिए तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है, परमाणु होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों तो क्या है, इसके मौलिक कण है जो परमाणु में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे छोटा भाग तो क्या है, परमाणु है। डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो देखिए अणु भी टूट करके किसमें बदलता है, परमाणु में, तो अंतिम जो भाग होता है वो क्या होता है, परमाणु। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, परमाणु भाग, ऑप्शन बी। डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो क्या है, परमाणु। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, देखिए परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस चीज पर निर्भर करेगा उसकी बात करते हैं, ये निर्भर करेगा, देखिए हमने बताया था ये नाभिक होता है, इसके चारों ओर कक्षाएं होती है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और दोनों को मिलाकर के इसका द्रव्यमान भी बोलते हैं नाभिक, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और बात करें इसके चारों जो कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जब कोई परमाणु दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करता है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे में, दूसरे का इसमें, तो इस प्रकार से आदान प्रदान के जरिए दो परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो यानी कि रासायनिक व्यवहार मतलब उनकी अभिक्रिया को लेकर बात कर रहे हैं, और अभिक्रिया में कौन योगदान देगा, इलेक्ट्रॉन, जो कहाँ घूर्णन करते हैं, नाभिक के चारों ओर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने अकॉर्डिंग वो अभिक्रिया करेंगे। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, देखिए द्रव्यमान संख्या हम बता चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, देखिए एक तो परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, एक द्रव्यमान संख्या, दोनों डिफर है, कैसे कैसे सुनिएगा। देखिए बात करते हैं हम, ये रहा हमारा परमाणु, ठीक है, तो अब बात करें भाई परमाणु का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान तथा, देखिए परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, कुल परमाणु का द्रव्यमान। देखिए क्या होता है, इसमें कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत द्रव्यमान ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
वो कहलाता है उसका द्रव्यमान क्षति। तो इसमें क्या होगा, परमाणु का द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या दोनों का जो अंतर होगा उसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति। बात करें इसका फॉर्मूला, तो क्या करें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसे क्या नाम देंगे हम, द्रव्यमान संख्या, में से क्या घटा दो, परमाणु द्रव्यमान घटा दो, जो थोड़ा बहुत डिफर होगा, तो जो भी अंतर आएगा वो क्या आएगा, द्रव्यमान क्षति निकल के आएगा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि जिसका द्रव्यमान भी क्या हो शून्य और जिसका आवेश भी क्या हो शून्य, लगभग शून्य होता है ये, तो किंतु प्रचक्रण होता है, लेकिन उसमें प्रचक्रण पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा कण है जिसमें द्रव्यमान भी होगा शून्य और जिसमें आवेश भी शून्य होगा लेकिन प्रचक्रण पाया जाएगा, तो वो कण होता है न्यूट्रिनो। ध्यान रखिएगा, वो कण होता है न्यूट्रिनो। प्रचक्रण का मतलब क्या होता है, इसका घूर्णन होता है। देखिए इसके प्रचक्रण को हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, माइनस हाफ और प्लस हाफ। ये कहलाता है वामावर्त और ये कहलाता है दक्षिणावर्त। तो जो हमारा न्यूट्रिनो होता है इसका प्रचक्रण कितना होता है, प्लस एक बटा दो यानी कि दक्षिणावर्त। न्यूट्रिनो का प्रचक्रण कितना होता है, प्लस एक बटा दो यानी कि दक्षिणावर्त। किसी परमाणु में परिचक्रण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी, कोई परमाणु है उसमें परिचक्रण कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो देखिए हमेशा जो कुल ऊर्जा होती है ना किसी भी परमाणु की, वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। इस बात को डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, किसी ये बोर मॉडल ने अपने ऊर्जा, देखिए बोर ने ऊर्जा का फॉर्मूला दिया था उसके जरिए हम ज्ञात करते हैं, लेकिन हम इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, हम इतना जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना शून्य हो सकती। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, देखिए नाभिक के आकार को ज्ञात करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हमने अभी अभी बताया था रदरफोर्ड मॉडल में क्या किया था, ये नाभिक था, इस पर किसका प्रहार किया था, अल्फा कणों का प्रहार किया था, अब जो अल्फा कण इसके पास में आएंगे वो यहाँ से विचलित होंगे, तो क्या हुआ अल्फा कणों से हम क्या करते हैं नाभिक के आकार की, कहाँ से विचलित होना स्टार्ट हो रहे हैं उससे हम नाभिक के आकार की गणना कर सकते हैं, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा कणों से। नाभिक के धनाविष्ट होने की खोज की थी किसने, की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने बताया था अल्फा कणों की बोछार की, अल्फा कणों पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, और नाभिक के पास यानी कि परमाणु के अंदर जाकर के ये क्या होते हैं विचलित हो रहे थे, यानी कि नाभिक परमाणु में भी क्या होगा धनावेश होगा, और उस धनावेश को क्या नाम दिया उन्होंने नाभिक। परमाणु का परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक, देखिए परमाणु भार की बात करते हैं, परमाणु भार ज्ञात किया जाता है C12 कार्बन 12। देखिए परमाणु भार की परिभाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या है, कोई भी तत्व का परमाणु भार होगा तो क्या होगा वो कार्बन 12 के परमाणु क्रमांक होगा ना, कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग के द्रव्यमान का कितना गुना है ये याद करते हैं। परमाणु भार का मतलब क्या है, कोई भी तत्व C12 यानी कार्बन 12 के 12वें भाग का द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होगा उसका 12वां भाग निकालेंगे उससे कितना गुना है ये परमाणु भार होता है। सीधे शब्दों में कहे किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग के द्रव्यमान से कितना गुना है यही उसका परमाणु भार कहलाता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो ये हमने पहले ही बता दिया था, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का सिर्फ भार बराबर होता है, इसके अलावा सभी चीजें इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है पॉजिट्रॉन की। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, अच्छा न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, देखिए पहला ऑप्शन क्या है परमाणु क्रमांक से कम होगी, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ठीक है, और क्या होता है नाभिक में क्या होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यानी हमेशा इससे ज़्यादा होगी। दूसरा क्या है, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या है प्रोटॉन है और प्रोटॉन में न्यूट्रॉन भी जुड़ेंगे तो हमेशा उससे क्या होगी ज़्यादा ही होगी। दूसरा है परमाणु क्रमांक से अधिक होगी, परमाणु क्रमांक से अधिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, अच्छा हमेशा बराबर नहीं होती, ठीक है, अच्छा, और चौथा है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर। तो देखिए अभी हम बात करें तो हमने बात करी थी हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में क्या था प्रोटॉन की संख्या 1 थी और न्यूट्रॉन की संख्या 0 थी, तो इस केस में क्या होगा द्रव्यमान संख्या किसके बराबर हो जाएगी परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगी। बात करते हैं वापस हाइड्रोजन की, तो इसमें प्रोटॉन 1 था और न्यूट्रॉन 0 था, तो इसका मतलब क्या हो गया परमाणु क्रमांक कितना है 1 प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और द्रव्यमान कितना है 1+0 वो भी 1, तो इसमें बराबर हो जाती है, तो इस केस में तो क्या हो जाएगी बराबर, और बाकी सभी केसों में न्यूट्रॉन होंगे तो हमेशा बड़ी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा
ऑप्शन डी, कभी परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है, तो ये भी किसने बताया था, जॉन डॉल्टन ने। परमाणु का आणविक सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत दोनों जॉन डॉल्टन ने दिए थे। और अंतिम क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा ई संवेग पी और सी में सही संबंध है। देखिए इनका सही संबंध होता है पी बराबर ई अपॉन सी, ठीक है, इसकी हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, इतना आप समझ लीजिए पी बराबर ई अपॉन सी। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें।